दो तारीख को जनवरी नया साल में एक कार्डन एंड सर्च कार्यक्रम लगाए। ये कार्यक्रम जो है रंगनायकुल कॉलोनी और देवेंद्र नगर कॉलोनी में लगाए, ये पहाड़ी शरीफ पीएस लिमिट्स में। इसका मकसद यह है कि कोई इलीगली कोई बाहर चोरी करके यहाँ शेल्टर ले रहा, नहीं तो कोई वारंट पेंडिंग है क्या, और कोई इलीगल एक्टिविटीज़ इधर हो रहा है क्या बोल के चेक करने के लिए ये कार्यक्रम हम डीसीपी साहब के सुपरविजन में लगाए। और आज जो है हम लोग ये कॉलोनी 3 बजे से 5 बजे के बीच में पूरा कॉर्डन सर्च करे। तकरीबन 26 गाड़ी जो है जिनके खिलाफ चालान पेंडिंग है वो गाड़ियों को बरामद कर लिए, और एक ऑटो और एक गाड़ी कार भी है उसमें, पूरे इनके खिलाफ जो है 28,640 रुपये का चालान भी पेंडिंग है, वो पूरा अमाउंट भी बरामद करके, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगा। और ये 8 राउडी शीटर्स को, 8 राउडी शीटर को, 4 सस्पेक्ट्स को और एक एमओ ऑफेंडर को भी हम लोग गिरफ्तार कर लिए। उन लोगों के ऊपर क्या पेंडिंग केसेस पेंडिंग है वो भी चेक करते, और पैपिलॉन चेकिंग बोल के फिंगरप्रिंट्स एक्स कॉन्विक्स को भी चेकिंग हुआ। 23 मेंबर्स 22 लोगों का भी 23 लोगों का वो पैपिलॉन चेकिंग भी हो गया, और इसके दरमियान जो है पब्लिक जो है उनके तकलीफ़ क्या है वो भी हमारा इल्म में लाए, वो भी हमारा जो जुडिशन में है वो हम लोग काम करके उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें लेडीज़ को जो है अलर्ट रहना बोल के हम लोग भी डायल 100 का नंबर का भी हम लोग ये इस मीटिंग में उन लोगों से डिस्कस करें, और शी टीम्स का और सीसीटीवीज का इम्पोर्टेंस भी हम लोग पब्लिक को समझाए। और जिसके तीन रकम के कैमरास है, एक गवर्नमेंट का LNT कैमरास है और एक जो है नैनो सैतम कैमरास है और कम्युनिटी CCTV है, ये तीनों का भी पब्लिक को कैमरा के इम्पोर्टेंस भी उन लोगों के इल्म में लाए। और पब्लिक से विनती करते हैं कि पुलिस से कोऑपरेट करे और उनके लोकेलिटी में बस्ती में कुछ भी गैरकानूनी काम हुए तो 100 नंबर को डायल करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे को मदद करें।